जन जन की आवाज जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और पिछले 3 महीने से धरना में बैठे राजेश, जिनका हमने आपको लगातार कवरेज दिखाया है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और आपको बताते चले कि हमारी मुहिम और जीएन भारत जो लगातार खबर दिखा रहा था, इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिला। हमने आपको कहा था कि 2 बार नीट क्वालिफाई करके धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, इनको जो जहाँ पे वो पढ़ा रहे थे यूनिवर्सिटी में, वहाँ से इनको हटा दिया गया, मुआवजा नहीं दिया जा रहा था। हमने आपको ये भी बताया था कि कुछ दिन पहले 1 लाख रुपये इनके अकाउंट में आए, लेकिन ये दिव्यांग होकर भी, 2 बार नीट क्वालिफाई करके भी इनको जो नियुक्ति नहीं मिल रही थी, अब फाइनली सरकार ने इनको नियुक्ति पत्र दे दी है, इनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है। बहुत जल्द आप ही के किसी नजदीकी यूनिवर्सिटी में ये आपको पढ़ाते हुए दिखेंगे। क्या कुछ पूरा मसला है हम राजेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका इतना लंबा स्ट्रगल जो है फाइनली पूरा हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मैडम कि आपने, आपके चैनल ने मेरा दुख दर्द को, मेरा जो आवाज़ था उसको सरकार तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपके चैनल को प्रणाम करता हूं। पिछले 77 दिनों से मैं लगातार यहां बैठा हुआ हूं और निश्चितकालीन धरना पर बैठा हुआ हूं, और तब जाकर मुझे सफलता मिला है। बहुत संघर्षों के बाद मुझे सफलता मिला। मेरा मांग था कि मुझे फिर से पढ़ाने का अनुमति दिया जाए सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में, और वह चीज़ मुझे मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके, और मेरे घर वाले और भी मेरे जो पड़ोस हैं, अगल बगल हैं, जो मेरे परिचित हैं, रिलेटेड हैं, सब खुश हैं इस कामयाबी के बाद। मैं बहुत संघर्ष के बाद इस चीज़ को पाया हूँ। मैं विश्वविद्यालय में भी अनशन किया था, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हो पाया था। तब मैं यहाँ 3 मई से लगातार बैठा हुआ हूँ, बहुत सारे समस्याओं को झेलते हुए, और तब मुझे ये सफलता मिला है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या नई उम्मीद की किरण के साथ अब यूनिवर्सिटी में जाएंगे, क्या कुछ आशा है आपकी? हाँ, मुझे बहुत उम्मीद है कि अब मैं विद्यार्थियों को ठीक ढंग से पढ़ा पाऊँगा। अब मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होगा जो पहले हुआ था। अब मैं अपनी जो ज्ञान है, मैं ठीक ढंग से बांट पाऊँगा, और इससे विद्यार्थियों को लाभ पहुँचेगा, मुझे ये उम्मीद है। आपको लगता है आपको देख के और भी ऐसे दिव्यांग जो है वो भी आगे आएंगे, पढ़ेंगे और इस काबिल बनेंगे? हाँ, मुझे देख के सिर्फ दिव्यांग ही नहीं, कोई भी इस चीज़ को देख के ज़रूर एक बार सोचेगा कि मुझे भी संघर्ष करना चाहिए, मुझे भी जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ मुझे लड़ना चाहिए। इस चीज़ को देख के ज़रूर वे सामने आएंगे, ज़रूर कुछ सीखेंगे। इस चीज़ है कि अब मैं विद्यार्थियों को ठीक ढंग से पढ़ा पाऊँगा। अब मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होगा जो पहले हुआ था। अब मैं अपनी जो ज्ञान है, मैं ठीक ढंग से बांट पाऊंगा, और इससे विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा, मुझे ये उम्मीद है। आपको लगता है आपको देख के और भी ऐसे दिव्यांग जो है वो भी आगे आएंगे, पढ़ेंगे और इस काबिल बनेंगे? हाँ, मुझे देख के सिर्फ दिव्यांग ही नहीं, कोई भी इस चीज़ को देख के ज़रूर एक बार सोचेगा कि मुझे भी संघर्ष करना चाहिए, मुझे भी जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ मुझे लड़ना चाहिए। इस चीज़ को देख के ज़रूर वे सामने आएंगे, ज़रूर कुछ सीखेंगे। इस चीज़ को देख के नियुक्ति पत्र है आपके पास? अगर है तो जरा हमें, हमारे चैनल को दिखाए। वो यह नियुक्ति पत्र नहीं है मैडम, यह यूनिवर्सिटी में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यह मुझे वहाँ पढ़ाने के लिए लेटर दिया गया है कि वहाँ यूनिवर्सिटी आप जाइए, और यूनिवर्सिटी को भी यह लेटर भेजा गया है कि फिर से आपको रखा जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, साफ तौर पर इसमें लिखा है कि निर्देश अनुसार विषय में संबंध में श्री राजेश कुमार, पिता श्री गोविंद प्रसाद और जिला देवघर से प्राप्त आवेदन की छाया प्रति करते हुए कहना है कि आवेदन में उठाए गए बिंदुओं में आलोक की समुचित कार्रवाई कर कार्रवाई प्रति प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। तो आप साफ तौर पर पढ़ सकते हैं, और हमने भी आपको पढ़ाया कि फाइनली अब सिद्धू कानू मुर्मू, जहां से इनको निकाला गया था, जहां पे इनकी नियुक्ति नहीं हो रही थी, अब इनको फाइनली पढ़ाने का मौका मिल रहा है। एक बात बताइए, ऐसे बहुत आपके जैसे और भी कई लोग हैं, नॉर्मल इंसान भी है जिनके साथ ऐसी जाति होती है, लेकिन वो यहां के धरना पर नहीं बैठते, उनको लगता है क्या होगा, सरकार थोड़ी सुनेगा। ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे जो अपने हक से वंचित हैं? मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आपकी मांग है, यदि आप सही ढंग से संवैधानिक तरीके से यदि अपनी मांग को रखते हैं तो इस पर सुनवाई होती है, लेकिन आपको संवैधानिक तरीके से जो आपको संविधान ने अधिकार दिए हैं उस संवैधानिक दायरे में रहते हुए आप यदि अपनी मांग को मांगते हैं तो ज़रूर सुना जाएगा और ज़रूर न्याय होगा आपके साथ। मैंने इस चीज़ को देखा है,
मैंने अनुभव किया है, मैंने इस चीज़ को अनुभव किया और लोगों ने भी देखा कि किस तरह से एक दिव्यांग जो कि एक और अकेले लड़ते हुए अकेले व्यक्ति धरना प्रदर्शन नहीं करता है, कहीं इस तरह का आपको देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन मैं अकेले धरना प्रदर्शन किया और मुझे अंततः न्याय भी मिला। वैसे बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, सहयोग रहा, तो इन सहयोग में टाना भक्तों का सहयोग रहा, मीडिया कर्मियों का सहयोग रहा, आप लोगों का बहुत सहयोग रहा, जिसके वजह से मुझे न्याय मिल पाया। हम इनसे थोड़ा सा जानेंगे, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सत्यनारायण शुक्ला हुआ। अच्छा। और मैं JPSC, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि आखिर झारखंड में क्या ऐसा हो गया कि सिर्फ आंदोलन करके ही नौकरी मिलेगा? लोग इतना संघर्ष करता है, लोग इतना मेहनत करता है, किसके लिए? सिर्फ आंदोलन करने के लिए? और झारखंड का जो लचर व्यवस्था है, झारखंड का जो वर्तमान परिस्थिति है, चाहे झारखंड लोक सेवा आयोग हो, चाहे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग हो, एक क्या हो रहा है अभी आप फिलहाल में देखेंगे कि झारखंड में जो कर्मचारी आयोग के तहत जो JEE का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन लीक हो रहा है, और आगामी और झारखंड का जो झारखंड सरकार के मतलब विश्वास में तो कोई भरोसा ही नहीं किया जा सकता। वो ऐसा नियोजन नीति बनाते हैं कि यहाँ के छात्र दर दर भटकते रहते हैं, यहाँ फैसला कौन करेगा? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। बच्चा तो 4 साल मेहनत करे, मेहनत करने के बाद फिर नौकरी के नज़दीक आए, जब नौकरी के नज़दीक आए तो उन्हें बोलेंगे कि नहीं ये तो भाई पूरा संविधान के खिलाफ है। तो हमारे साथ, हाँ तो हमारे साथ ये भी मौजूद है, आप अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार रंजन है और मैं 22 जून से यहाँ पे धरना पर मैं भी बैठा हूँ, +2 शिक्षक बहाली को मांग को लेकर। अच्छा, तो ये इनके बारे में आप क्या कहेंगे? इनके बारे में हम लोग जब आए तो इनको देखें, इनका संघर्ष को देख रहे हैं, हम लोग का पूरा सहयोग रहा, हम लोग जैसे भी हैं इनको मदद किए, हमारे भैया हैं भूषण भैया, उनके संरक्षण में रहे हैं, ये अगर हम लोग नहीं होते तो ये नहीं होते। और मैं और जनता लोग और इन जैसे जो हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप भी सच के खिलाफ खड़ा रहिए, एक न एक दिन जीत अवश्य मिलेगी। तो आपने सुना साफ तौर पर राजेश के सपोर्ट में सारे लोग हैं यहाँ पे खड़े, और इनको बहुत थ्रू आउट सपोर्ट किया गया, खाने से लेकर रहने तक का। तो ये कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव जो मैसेज है सोसाइटी को भी जाता है कि सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी मिलकर ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। और राजेश जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जो संवैधानिक दायरा में रह के अगर आप अपनी मांगों को मांगते हैं तो वो ज़रूर पूरा होता है। हम ऐसे कई बार देखते हैं कि लोग सड़कों पर उतर आते हैं, हमने ये अग्निवीर योजना में देखा था कि कैसे पूरे ट्रेन को जला दिया गया था। ये असंवैधानिक तरीका है, इससे सिर्फ लॉस होगा, प्रॉफिट तो और मांग तो पूरी कतई नहीं हो सकती ऐसे बिहेवियर से, क्योंकि देश का आप यूथ है, देश का भविष्य है। तो ये बहुत आपने देखा होगा, राजेश जी ने बहुत शांति से यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, हमारे संविधान में और हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रोटेस्ट। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मीनिंग है राइट टू प्रोटेस्ट का, यानी प्रोटेस्ट का अधिकार। लेकिन अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेन को चला दें, अधिकार का मतलब होता है राजेश जी इसका कहीं ना कहीं जीता जाता उदाहरण है कि राइट टू प्रोटेस्ट का संवैधानिक मतलब क्या होता है, शांति से बैठना, अपनी मांगों को लेकर डटे रहना एक जगह, और जब तक मांग पूरी ना हो जाए तब तक ना हिलना, ताकि सरकार को भी इनके सरल व्यवहार के सामने और इनके शिद्दत के सामने झुकना पड़ जाए। इनको नियुक्ति पत्र मिल चुकी है, अब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, और ऐसे कई लोगों के लिए एग्जाम्पल है ये कि अगर इस लेवल पे, इस दिव्यांगता के लेवल पे लगता रहे क्या होगा, सरकार थोड़ी सुनेगा। ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे जो अपने हक से वंचित? मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आपकी मांग है, यदि आप सही ढंग से संवैधानिक तरीके से यदि अपनी मांग को रखते हैं तो इस पर सुनवाई होती है, लेकिन आपको संवैधानिक तरीके से जो आपको संविधान ने अधिकार दिए हैं उस संवैधानिक दायरे में रहते हुए आप यदि अपनी मांग को मांगते हैं तो ज़रूर सुना जाएगा और ज़रूर न्याय होगा आपके साथ। मैंने इस चीज़ को देखा है, मैंने अनुभव किया है, मैंने इस चीज़ को अनुभव किया और लोगों ने भी देखा कि किस तरह से एक दिव्यांग जो कि एक और अकेले लड़ते हुए अकेले व्यक्ति धरना प्रदर्शन नहीं करता है, कहीं इस तरह का आपको देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन मैं अकेले धरना प्रदर्शन किया और मुझे अंततः न्याय भी मिला। वैसे बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, सहयोग रहा, तो इन सहयोग में टाना भक्तों का सहयोग रहा, मीडिया कर्मियों का सहयोग रहा, आप लोगों का बहुत सहयोग रहा, जिसके वजह से मुझे न्याय मिल पाया। हम इनसे थोड़ा सा जानेंगे, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सत्यनारायण शुक्ला हुआ। अच्छा। और मैं JPSC मूवमेंट्स में लगभग 60 दिन आंदोलन किया, तमाम मीडिया कर्मी लोग भी जानते होंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि आखिर झारखंड में क्या ऐसा हो गया कि सिर्फ आंदोलन करके ही नौकरी मिलेगा?
लोग इतना संघर्ष करता है, लोग इतना मेहनत करता है किसके लिए? सिर्फ आंदोलन करने के लिए। और झारखंड का जो लचर व्यवस्था है, झारखंड का जो वर्तमान परिस्थिति है, चाहे झारखंड लोक सेवा आयोग हो, चाहे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग हो, एक क्या हो रहा है अभी आप फिलहाल में देखेंगे कि झारखंड में जो कर्मचारी आयोग के तहत जो जेई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन लीक हो रहा है। और आगामी और झारखंड का जो झारखंड सरकार के मतलब विश्वास में तो कोई भरोसा ही नहीं किया जा सकता। वो ऐसा नियोजन नीति बनाते हैं कि यहाँ के छात्र दर दर भटकते रहते हैं। यहाँ फैसला कौन करेगा? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। बच्चा तो चार साल मेहनत करे, मेहनत करने के बाद फिर नौकरी के नज़दीक आए, जब नौकरी के नज़दीक आए तो उन्हें बोलेंगे कि नहीं ये तो भाई पूरा संविधान के खिलाफ है। तो हमारे साथ ये भी मौजूद है। आप अपना परिचय देंगे? जी, मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार रंजन है और मैं 22 जून से यहाँ पे धरना पर मैं भी बैठा हूँ, प्लस टू शिक्षक बहाली को मांग को लेकर। अच्छा, तो ये इनके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, इनके बारे में हम लोग जब आए तो इनको देखे, इनका संघर्ष को देख रहे हैं। हम लोग का पूरा सहयोग रहा, हम लोग जैसे भी हैं इनको मदद किए। हमारे भैया हैं भूषण भैया, उनके संरक्षण में रहे हैं। ये अगर हम लोग नहीं होते तो ये नहीं होते। और मैं और जनता लोग और इन जैसे जो हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप भी सच के खिलाफ खड़ा रहिए। एक अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।